ओबीसी की पार्टी के नेता और औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने नांदेड़ से लड़ने की जताई इच्छा। नांदेड़ लोकसभा सीट पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि इम्तियाज जलील के चुनाव लड़ने के बावजूद अंतिम निर्णय पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लेंगे। इस सीट से कांग्रेस ने सांसद स्वतः वसंत राव चवार के बेटे रविंद्र चवार के नाम की घोषणा की है। नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही 20 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। गुरुवार को चुनाव लड़ने के बावजूद पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि मैं नांदेड़ उपचुनाव लड़ना चाहता हूं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां काम भी शुरू कर दिया है। हमारी पार्टी के प्रमुख ओवैसी स्थिति का जायजा ले रहे हैं, निर्णय उन्हें ही लेना है। जलील 2024 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद सीट से शिवसेना के संदीपन भूमरे से हार गए थे। नांदेड़ में चुनाव लड़ने के बावजूद पूर्व सांसद ने कहा कि वहां हमारी पार्टी की मजबूत स्थिति है और AIMIM ने इसी जिले के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति में प्रवेश किया था। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।